आजकल के दौर में सब लोग परेशान कि यार ये सामान कहाँ से लेना है, वो चीज़ कहाँ से लेनी है, अगर मार्केट से लेंगे तो किस प्राइस में मिलेगी, और अगर यार हमें यूज़ में मिल जाए तो क्या बात, और यूज़ में मिल जाए अगर वो भी बेहतर हो कम पैसों में तो और भी अच्छी बात। तो जनाब ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा, मैं आज मौजूद हूँ जुमा बाज़ार लतीफ़ाबाद नंबर 12 की लोकेशन पर, और यहाँ पर सितंबर 2022 मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी की तकरीबन सभी चीज़ें आपको बासानी रीज़नेबल प्राइस में मगर ढूंढने के बाद मिल सकती हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बेहतरीन चीज़ें बहुत कम प्राइस में हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। आजकल जितने लोग परेशान हैं, यहाँ पर आवाम का जो रश होता है, आवाम का जो रुझान होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह महंगाई है और मईशत का जो बिल्कुल डिक्रीज़ हो चुकी है, उस हिसाब से यहाँ पर जो सिस्टम है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लतीफ़ाबाद नंबर 12 जुमा बाज़ार में मौजूद हूँ फराज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। फराज़ अहमद हाजिर खिदमत, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने, बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उनकी प्राइजेस क्या हैं, रीज़नेबल चीज़ें हैं और क्या तरीक़ाकार है, लोगों से मिलवाते हैं कि यहाँ पर मामला थेगा कैसे हैं, मेरे साथ रहिएगा। कभी कभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है हमें नज़र आ जाती हैं कि अक्ल हैरान हो जाती है। अच्छा, इस वक्त भी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इस वक्त फर्नीचर भी मौजूद है। अच्छा, ये फर्नीचर लुकिंग वाइज भी अगर देखा जाए तो इसको यूज़ किया जा सकता है, कुछ मेंटेनेंस का मामला बनता है यहाँ पर, मगर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये फुटपाथ के ऊपर रखकर ये सेल हो रहा होता है, ये फर्नीचर आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये डाइनिंग टेबल है, उसके अलावा दीगर जो सिस्टम है यहाँ पर। स्टार्टिंग अगर मैंने यहाँ से ली है तो आपको दिखाने का मकसद ये कि मेरे साथ रहिएगा, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ईजिली मिल सकती हैं और क्या क्या मामला थे। यहाँ पर फर्नीचर से स्टार्ट किया मैंने, मेरे साथ रहिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखें, ये मैं नहीं कह रहा कि न्यू ब्रांडेड यूज़ की हुई चीज़ें, जुमा बाज़ार लतीफ़ाबाद नंबर 12 में इस वक्त जो ये देखें यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है, इसमें आपको वॉशिंग मशीन्स नज़र आ रही हैं, उसके अलावा बच्चों की एसेसरीज नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसी हिसाब से ये पूरे लिंक रोड पर जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको जो हम लोग यूज़ करते हैं, मगर ये है कि यहाँ पर जो मामला हैं आपको रीज़नेबल प्राइस में मगर ढूंढने के बाद, अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओके होता है, मगर ढूंढने के बाद रिसर्च करने के बाद मामला जो है बन जाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ भाई मौजूद हैं यहाँ पर जिनका ये स्टॉल है। अच्छा, फर्नीचर का स्टॉल भी इन्हीं भाई का था। अच्छा, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये इन्होंने चीज़ें रखी हैं और पब्लिक यहाँ पर परचेज करती है, उस हिसाब से ये चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में है और बिल्कुल ऑन कंडीशन में है, या इनको कुछ मेंटेनेंस का काम करवाना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? यामिन भाई, यहाँ पर जो आप लोगों ने स्टॉल पे चीज़ें लगाई हुई हैं, इन जो चीज़ों में सब चीज़ें ऑन है या इनको बनवाना पड़ता है? सब चीज़ हम लोग ऑन रखते हैं, बंद चीज़ को हम लोग नहीं रखते, क्योंकि बंद चीज़ें जो ना स्क्रैप होता है, स्क्रैप को स्क्रैप पे बेचते हैं हम लोग। यहाँ पर जो चीज़ चालू होती थी वो रखते हैं हम लोग, और अगर कोई काम होता है तो हम पहले काम कराते हैं, चीज़ को ओके करते हैं, बिल्कुल फिर हम यहाँ लाकर बेचते हैं। थोड़ा ख़राब चीज़ें नहीं रखते हैं। अगर इनकेस अगर कोई चीज़ ख़राब निकलती है तो वापस करते हैं, आप क्लेम देते हैं? चाय भी पिलाते हैं। क्या बात है जी, भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनका माशाल्लाह जी, जिसने अपने माल वापस से बेचा, वापस से लिया, उसने जन्नत पाई माशाल्लाह। माल वापस लेता हूँ और बेचता हूँ, चाय नहीं पिलाता लेकिन वापस लेता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डालें। जनाब हमारे साथ भाई मौजूद थे, उनका कहना था कि अगर इनकेस कोई क्लेम भी आ जाता है तो ये प्यार मोहब्बत से और बड़े एहसन तरीके से वापस भी करते हैं, उनको चाय भी पिलाते हैं। तो बिल्कुल एहसन कदम है ये, इनकी जितनी अप्रिसिएशन दी जाए कम है। मेरे साथ रहिएगा और भी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर स्टॉल वगैरह। मैं इस वक्त जो है ना एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चों के खेलने की जो चीज़ें हैं, टॉयज वगैरह अगर आप कह लें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं मालूम करता हूँ यहाँ पर जिनका स्टॉल है और प्राइजेज भी आपको बताता हूँ कि क्या प्राइजेज हैं यहाँ पर, क्या रीज़नेबल प्राइजेज। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपका स्टॉल है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस किस तरीके से क्या क्या प्राइजेज, अलग अलग प्राइजेज हैं सब? अलग अलग 50, 40, 20, 100, मतलब जैसी चीज़ है वैसे ही पैसे हैं, एक प्राइस नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और जिस किस्म की चीज़ है उसी किस्म के प्राइस हैं। अच्छा, ये रीज़नेबल देखें, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको न्यू चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है,
मगर आजकल की महंगाई के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो बाज़ार है ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों के लिए महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टॉल, ये जो है टॉयस का स्टॉल भी मौजूद है, मेरे साथ रहिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ आज तबीयत कुछ ख़राब है, गला मेरा बैठा हुआ है, इसके लिए माजरत। अच्छा, स्कूल बैग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत ही म्यारी और मैं कहूँगा कि रीज़नेबल प्राइस में, मैं आपको उनकी प्राइस भी बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जिनके भाई का स्टॉल है उनसे भी बात की जाए। और यहाँ पर ये स्कूल बैग, म्यारी स्कूल बैग कम कीमत में दस्तयाब हैं। यहाँ पर ये भी स्टॉल मौजूद है, आप देख सकते हैं, यकीन करें ये वो बाज़ार है जहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों की महंगी चीज़ों को, मगर यहाँ पर कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ार से भी कम कीमतों में अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जिनका स्टॉल है तो उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, वो क्या कहते हैं वो भी बताते हैं आपको। अच्छा जी, हमारे साथ भाई मौजूद है जिनका स्टॉल यहाँ पर बैग वगैरह, जो स्कूल बैग वगैरह हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी आसिफ। आसिफ भाई थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा, बाज़ार में आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पर कब से आप लोग ये लगाते हैं अपना स्टॉल? कितना वक्त हो गया? 15 साल हो गए। अच्छा, अच्छी रोज़ी मिल जाती है? अच्छा, कीमतें कैसे हैं, मुनासिब हैं या बहुत ज़्यादा हैं बाज़ार के मुकाबले में? ऐसा ही है। अच्छा, इस बाज़ार में तो आने का मकसद आज मेरा यही है कि मैं पब्लिक को दिखा पाऊँ कि यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं अक्सर वो कम पैसों में भी मिल जाती हैं। अच्छा, चीज़ें भी मुझे जितना भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बैग्स अच्छे लगे हुए हैं और इनकी प्राइसेस भी कम है। पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बाज़ार का अगर विजिट करें तो उनको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं? अच्छा, कोई भी देता कम नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई मौजूद थे जिनका स्टॉल था यहाँ पर ये स्कूल बैग्स का, उनसे भी हमने बात की है। रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़, म्यारी चीज़, बच्चों के स्कूल बैग भी यहाँ पर मिल जाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको भूख लग जाए शॉपिंग करते हुए तो फिर यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं, यहाँ पर पैटीज मिल जाते हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। फिर से एक दफ़ा मैं आपको ले जाता हूँ कि यहाँ पर स्कूल बैग्स भी काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा बच्चों के कपड़े, अच्छा क्लॉथ सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। देखें, बच्चों के कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, इसके अलावा और काफ़ी कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर भूख लगी हुई हो तो यहाँ पर खाने पीने की अशिया भी जो है वो मिल जाती हैं। और मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको पूरा विज़िट करवाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 12 जुम्मा बाज़ार सितंबर 2022 एक और स्टॉल पर। अच्छा ये भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? नदीम, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम भाई, इस वक्त जुम्मा बाज़ार में आप मौजूद हैं और पेटीज जो है वो लोगों को खिला रहे हैं आप, तो क्या मामला है यहाँ पर? रश आज कम है या ज़्यादा है? आज कम है। कम है, वजह क्या है? बाजार कभी हल्का चलता है कभी तेज। अच्छा, रोज़ी मिल जाती है यहाँ पे माशाल्लाह से, हो जाता है गुजारा। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद थे जनाब, यहाँ पर पेटीज का एक स्टॉल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पर्दे वगैरह, चादरें वगैरह भी दस्तयाब हैं। अच्छा, इसके अलावा घरेलू अशिया जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली, वो सब चीज़ें आपको रीज़नेबल प्राइस में, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रीज़नेबल प्राइस इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल की महंगाई के दौर में अगर कुछ चीज़ें हमें कम पैसों में मिल जाएं तो ये ब्लेसिंग है, इससे इसमें कोई शक नहीं है, मेरे साथ रहिएगा। वैशी मंडी जाने की भी ज़रूरत नहीं है जनाब, जुम्मा बाज़ार हो और वहाँ पर जानवर मौजूद ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता। लतीफ़ाबाद नंबर 12 यहाँ पर जानवर भी मिल जाते हैं आपको रीज़नेबल प्राइस में, कम प्राइस में यहाँ पर जानवर भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, उसके अलावा बच्चों की जो चीज़ें हैं, बच्चों के जो कपड़े हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि टी शर्ट वगैरह और बच्चों के जो दीगर मामलात होते हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं, यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल सकती है। मगर बार बार कहने का मकसद कि ढूंढने से, सर्च करने से, रिसर्च करने से बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है और उसमें ढूंढना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ढूंढे बगैर मामला सही बनता नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ कुछ होती है, निकल कुछ आता है मामला, मेरे साथ रहेगा। इसके अलावा बड़ों के, बच्चों के अलावा भी अगर देखा जाए यहाँ पर बाज़ार में, तो बड़ों के ट्राउज़र्स वगैरह, शर्ट, टी शर्ट, पैंट्स वगैरह वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात कर सकें और उनसे प्राइजेज भी जो है
वो भी मालूम कर सकें। मगर ये है कि भाई कह रहे हैं कि मुझे ज़रा आगे जाना है और वो निकलनी है कहकर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो है पर्स भी मौजूद है जनाब इसी स्टॉल पर। यह आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे कबूतर हैं, मैं ही ले जाऊं। अच्छा, ये मामला यहाँ पर है, दिखाने का मकसद कि एवरीथिंग, हर चीज़ मिलती है जनाब, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं, और ढूंढने से क्या नहीं मिलता इस बाज़ार में। एवरीथिंग, ज़रूरतें ज़िंदगी की हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बच्चों से ले कर बड़ों तक, बड़ों से ले कर बुज़ुर्ग तक, हर चीज़ यहाँ पर मिल सकती है, ज़रूरतें ज़िंदगी की, इस्तेमाल की हर चीज़, चाहे वो किचन की हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो पहनने का क्लॉथ पेयर का हो कोई मामला, तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है। भाई हमारे साथ मौजूद है जिनका स्टॉल है, जहाँ पर जीन्स की पैंट्स वगैरह रखी हुई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई क्या नाम है आपका? सोना भाई। सोनू भाई। सोनू भाई कितने अरसे से लगा रहे हैं स्टॉल यहाँ पर? यहाँ पर 8 साल। 8 साल हो गए। तो 8 सालों में आपका गुजर बसर हो जाता है इस स्टॉल से? हफ्ते में एक दफ़ा लगाते हैं? अच्छा, हो जाता है, रोज़ी मिल जाती है, अच्छी रोज़ी मिल जाती है। अच्छा, और कोई परेशानी होती है यहाँ पर पब्लिक के हवाले से, किसी और हवाले से? सोनू भाई हमारे साथ मौजूद थे, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके काम में बरकत डालें, हमारी यही दुआएं हैं। मेरे साथ रहिएगा, आगे भी आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर। मोबाइल मार्केट भी जाने का आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ मोबाइल की एसेसरीज़ भी मिल जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये चार्जर्स भी हैं, और ये देख सकते हैं आप डेटा केबल्स वगैरह यहाँ पर, पाउच वगैरह हैं यहाँ पर, और उसके अलावा मोबाइल एसेसरीज जो है अच्छी डेटा केबल भाई कह रहे हैं। बोलें सस्ती और अच्छी, एक डबल एल है, 50 रुपये की दो है। 50 रुपये की दो है, सेल लगा दी है, माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर बैटरियाँ भी मिल जाती है, मोबाइल एसेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन सब बैटरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग जोग दर जोग यहाँ पर आते हैं और अपनी पसंद की जो बैटरीज़ वगैरह हैं या दूसरी एसेसरीज़ है मोबाइल की, वो परचेज़ करते हैं, मगर ढूंढने के बाद, सर्च करने के बाद। अच्छा, खाने पीने की अशिया मैंने जैसे आपको कहा मौजूद है, प्यास लगी हो तो इमली आलू बुखारे का शरबत भी मिल जाता है यहाँ पर, मेरे साथ रहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, अगर उनमें आयरन है, उसके अलावा चार्जर्स हैं, बैटरी के चार्जर्स वगैरह, दूसरी मशीनरी जो घरेलू यूज़ में इस्तेमाल होती हैं वो भी यहाँ पर मिल सकती हैं, और आयरन वगैरह जो रोज़ाना बेसिस पे यूज़ होता है, उसके अलावा चार्जर्स वगैरह यहाँ पर, जो बैटरी चार्जर्स वगैरह हैं, मगर देखने के बाद, सर्च करने के बाद जनाब मिल सकता है यहाँ पर, इजीली मिल सकता है। जुमा बाज़ार लतीफ़ाबाद नंबर 12 सितंबर 2022 मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ बआसानी कम पैसों में मिल सकती है, ये मेरी गारंटी है आपको, मेरे साथ रहेगा। मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये सामने आप रश देख रहे हैं, ये रश जो है ना, ये रश भी इसलिए है कि यहाँ पर लोग मोबाइल की परचेजिंग भी करते हैं, सेल आउट भी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो मोबाइल बेचने आए हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर, उन चीज़ों उन लोगों का भी रश है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर के रश हजूम बढ़ता हुआ। शाम का टाइम है जनाब, और इस रोड पर आज रश थोड़ी कम है, मगर अमूमन यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं होती, ये यहाँ की सूरत हाल है। इस वक्त मोबाइल सेल और परचेज दोनों यहाँ पर जुमा बाज़ार में हो रहे हैं, आप देख सकते हैं लोगों का हजूम यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ रहेगा। खाने का मकसद ये है कि जो फैमिलीज़, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये बच्चों के टॉयज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, देखें कितनी बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर जुमा बाज़ार लतीफ़ाबाद नंबर 12 में मौजूद हैं, रीज़नेबल प्राइस में, कम पैसों में अच्छी चीज़ें, ये ब्लेसिंग है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, जितनी महंगाई है आजकल के दौर में, यहाँ पर जो मामला है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बाज़ार उन लोगों के लिए बिल्कुल ये ब्लेसिंग से कम नहीं है कि जो अपने बच्चों के लिए चीज़ें बाज़ार से महंगे दामों नहीं ख़रीद सकते, वो इस बाज़ार का रुख करते हैं और यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं और अपने बच्चों को देते हैं, ताकि उनके बच्चों को खुशियों के चंद लम्हात मिल सकें, उनके बच्चे खुश हो सकें, मेरे साथ रहिएगा। आप विज़िट मैंने आपको करवाया 12 नंबर लतीफ़ाबाद नंबर और जुम्मा बाज़ार सितंबर 2022। अच्छा, मेरी कुछ सजेशंस भी हैं लोकल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अदारों को, हर किसी का ओपिनियन होता है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, यहाँ पर आज तो रश कम है
मगर उमूमन यहाँ पर रश इतनी कम नहीं होती। यहाँ पर इतनी रश होती है कि आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो फैमिलीज कहीं भी किसी रूट पे निकल रहे हों तो यहाँ पर चला भी नहीं जा रहा होता। अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इन लोगों को तहफ़ दें, इन लोगों को किसी ग्राउंड में किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ से जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट हो, लोकल गवर्नमेंट को भी जो है वो फ़ायदा मिले, गवर्नमेंट के अदारों को भी फ़ायदा मिले, और उसके अलावा इन लोगों को भी तहफ़ मिले, इनको भी पता हो कि कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस हमारे पास हम पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, अब इस वक्त ये लोग जब भी यहाँ पर होते हैं तो ये डरे और खौफ में मुब्तला बैठे हुए होते हैं कि कभी भी कोई भी एक्शन हो जाएगा। तो ये जुम्मा बाजार यहाँ पर लगता ज़रूर है मगर डर के साए में। मेरी सजेशंस हैं गवर्नमेंट के अदारों को, लोकल गवर्नमेंट के अदारों को और दीगर जो इन अदारों जो इसमें मुलविस हैं, जो ये इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, मेरा सजेशन है उन लोगों के लिए कि कम अज़ कम इन चीज़ों को लुक आफ्टर करें। हैदराबाद की पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जाए इन लोगों को जहाँ पर ये लोग तहफ़ का इनको एहसास हो और फिर रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा हो ताकि गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। देखें, मेरी कोशिश होती है जो सच है, जो हक है, जो हकीकत है, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर।